सो भाई मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ऐसा लग रहा है कि सुबह के 7 या 8 बज रहे, ऐसा कुछ नहीं, थोड़े देर रुक जाइए, आपको टाइम दिखाता हूँ, 5 बज चुके हैं, पूरा दिन सोए सोए निकला है। अब जाके ब्रश करके खाना वीना खाते हैं। और एक ज़रूरी बात, हमारा जो बोईसर शहर है वो आ चुका है रेड जोन में भाई। यहाँ पे ड्रोन से नज़र और ग्राम पंचायत से लेटर आ चुका है कि ना आप अपने घर के बाहर, ना घर के टेरेस पे और ना गेस्ट सोसाइटी के बाहर, बाहर हुए तो आप सोसाइटी के बाहर हो जाओगे। ये आपको दोनों प्रूफ में दिखाता हूँ, रुक जाइए, है मेरे पास। तो भाई आज तारीख है 1 मई 2020, ओके, 1 मई महाराष्ट्र दिवस, काम दिवस, ओके। सो दो तीन फोटोज़ है मेरे पास और डॉक्यूमेंट्स है दिखाने के लिए कि किस तरह एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया है बूस्टर को कि आप अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते बिना किसी काम के। और क्या बताया यार, ये लॉकडाउन भी जब से हुआ तब से भी इंटरनेट का अपलोडिंग इतना स्लो दे दिया है, बोलते हैं कि 1.5 MB दिया है आपको, लेकिन जब MB चेक करता हूँ तो 0.35 MB का स्पीड, ऐसा स्पीड दिखाता है जिसकी वजह से 1-8 मिनट का वीडियो अपलोड होने में भाई 1.5 घंटे से 2 घंटे लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक करना पड़ेगा, वरना देखिए सुबह व्लॉग आने वाला, शाम को व्लॉग आ रहा है, तो एक तरफ है थंबनेल और एक तरफ है वीडियो अपलोड हो जान दो। वैसे भी आज दिन भर सोया हूँ तो आज पहला खाएंगे। रात भर जग के दिन भर सो के जब शाम को 5 बजे उठेंगे तो खाने में हमें क्या मिला है, ये देखो, ये जो है बैगन, बैगन आलू टमाटर और मिर्ची मिक्स, इसको बोलते चोखा। और ये है गेहूं का नहीं, चावल की रोटी, थोड़ी सी मोटी रहती है चावल से, मतलब कहे तो 4 गुना ज़्यादा, मतलब रोटी से 4 गुना मोटी रहती है ये। तो ये है खाने में, तब यही खाएंगे, फिर शाम को वर्कआउट करेंगे और आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे रेड जोन में माय सिटी। यस, सो कपड़े मत देखो, जो कपड़ा है वही का वही है, आज वापस से नहीं नहाया, एक दिन हो गया, ओके। सो अभी जो आप ये एक पोस्ट देखने वाले हो कि इस पोस्ट में मतलब सोसाइटी जो मतलब ग्राम पंचायत से लेटर आया है कि भाई आप ना घर से बाहर निकल सकते हो बिना काम का, ना घर के टेरेस पे जा सकते हो बिना काम का, और ना सोसाइटी के बाहर निकल सकते हो, ना किसी को ले सकते हो अपने घर के अंदर या सोसाइटी के अंदर, क्योंकि एक भी कोरोना पेशेंट आया तो ऑलमोस्ट पता नहीं किस किस को हो जाएगा। तो ये आया है लेटर ग्राम पंचायत से, जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसमें बहुत कुछ लिखा है, मराठी में लिखा है। सो इसमें यही लिखा है कि इस कोरोना टाइम पे सोसाइटी में किसी को अलाउड नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, बिना काम घूम नहीं सकते, ये तो हो गया, चलो हम नहीं जाएंगे। लेकिन भाई बोईसर में इतनी खतरनाक, लेकिन बोईसर में इतनी खतरनाक चीज़ पर नज़र रखी जा रही है, मतलब आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे केरला साइड में कि लोगों पर ड्रोन पर नज़र रखी जा रही है, वैसा सेम सीन बोईसर में भी हुआ है, लोगों पर ड्रोन से नज़र रखा जा रहा है, टेरेस के ऊपर कोई घूम तो नहीं रहा है, कोई ग्रुप बना के कहीं खेल तो नहीं रहा है। तो वही सेम हमारे निखिल भाई ने काम किया है, जो हमारे निखिल भाई दोस्त है, बोईसर के फोटोग्राफर है, निखिल वाड़े नाम है जिनका, उन्होंने ये वीडियो शूट किया है ग्राम पंचायत की ओर से। तो छोटा सा वीडियो है कि देखिए किस तरह लोग ड्रोन को देख के सीधा रफू चक्कर हो जाते हैं। तो देखा आपने ड्रोन शॉट, मतलब लोग जस्ट वॉक कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा यहाँ पे लोग ग्रुप में 3-4-5 में हैं, पता नहीं कितने लोग मतलब सोसाइटी से कितने लोग टेरेस पे आते हैं, वो कहाँ जाके आए हैं, उनके घर पे कौन आया है, फिर टेरेस पे आते हैं कहाँ कहाँ, हाथ लगाते क्या करते, तो इन सब बातों को ध्यान में रख के टेरेस पे मतलब भी जाना अलाउड नहीं रखा है। अगर गए तो भाई ऐसी इसकी धारा 100 कुछ तो लिखा था उस लिस्ट में। तो भाई यही है लास्ट, मतलब दूध पियो, सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर दिन की शुरुआत करो। लेकिन मैं
तीन चार दिन से बहुत लेट उठ रहा हूँ, आज तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज तो मैं 4 बजे सो के उठा जो कि बहुत गलत है। तो आज जल्दी सोते और जल्दी उठते, बस एक बार, खाली एक बार पबजी खेलूँगा फिर सो जाऊँगा। ओके, देन उसके बाद सुबह मिलते गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, मिलते हैं 2 फ्रेम के बाद, अभी सोते। तो यही 5 दिन के बाद मिला है और बूस्टर को चालू होने में कम से कम 2 दिन जाएगा। बाहर दुकानें चालू हुई नहीं है, बस ये घर के बाहर दुकान था छोटा सा जिसके पास स्टॉक में था तो मिल गया। सो देखते कि 2 दिन बाद चालू होगा कि नहीं होगा, और नहीं चालू हुआ तो भाई इस रेड जोन में रहना है, क्योंकि भाई ड्रोन से भी नज़र रखा जा रहा है हमें, हमारे घरों पर छत के ऊपर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है। ओके, और एक और मेरे पास फ़ोटो है, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये है हमारे बूस्टर का एक एरिया है दलाल टावर, जहाँ पर ये पूरा एरिया है पूरा रेड जोन में कर दिया, मतलब ये जो सोसाइटी पूरा सील कर दिया है, ना इसमें कोई जा सकता है ना इससे कोई बाहर आ सकती है, पता नहीं क्या हालत हो रही होगी। तो ऐसी हालत ना आपके शहर की हो ना आपके सिटी की हो, सो प्लीज़ सावधानी रखें, दूर रहें, बिना मतलब कि ना जाए, तकलीफ में हैं 2 हफ्तों के लिए, और आई होप कि 2 हफ्ते के बाद लॉकडाउन और ख़त्म हो जाएगा, मतलब थोड़ी सुख सुविधाएँ मिल जाएंगी, अच्छा हो जाएगा। टाइम देखो 14:44, मतलब 13:14, मतलब 3 बजने वाला है एक्चुअली। 1:30 बजे मेरी आँख खुली और उसके बाद ही सोच रहा था कि व्लॉग कैसे एंड करूँ। तो ये 3 प्रूफ है कि मैं मेरी सिटी किस तरह हो गई रेड जोन और कैसा हाल हो गया, पहले थोड़े अच्छे थे लेकिन अब बेहाल है। सो गाइस इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, सो अच्छे से रहें, ठीक से रहें और कुछ नहीं, वीडियो देखते रहें। यस, बाय बाय।